हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेंट्रल हिंदी स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ आपके 5 पार्ट्स आएंगे, कह सकते हैं मैथमेटिक्स के टॉप 10 का दम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूट में, कह सकते हैं आपका रूट के बाहर कह सकते हैं 3 दिया, उसको ध्यान में रखिए कि रूट में 3 के पावर 6 इंटू 4 के पावर कह सकते हैं, 3 दिया इंटू 2 के पावर 9 अपॉन में 2 के पावर कह सकते हैं, 6 दिया इंटू में 8 के पावर 6 दिया, तो इसको विशेष ध्यान में रखिएगा कह सकते हैं। तो इसको आइए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, मैं नंबरिंग पे आप विशेष ध्यान मत दीजिएगा, इसमें नंबरिंग कह सकते हैं कि उल्टा सीधा किया है। उसका रीज़न यह है कि मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कह सकते हैं निकाले हुए हैं, तो ये आपका आ गया। मैं क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर देता हूँ, 8 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 6 से यहाँ पे आपका 3 ही कह सकते हैं। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 के पावर 6 को सेम रहने देते हैं, 4 के पावर कह सकते हैं 3, तो अगर हम लोग इसको लिखना रहे 4 को तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और टोटल कह सकते हैं 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, इंटू में 2 के पावर 9 हो गया, अपॉन में 8 को अगर लिखना रहे तो 2 के पावर 3 लिख देंगे और टोटल लिखना रहे तो 2 के पावर 18 हो गया कह सकते हैं, इंटू में 2 के पावर 6 हो गया। देन इसको हम लोग सिंप्लीफाई और करते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका 2 के पावर 6 हो गया इंटू में, इसको आपका जब मल्टीप्लाई रहता है तो बेस अगर सेम रहते हैं तो पावर जो होते हैं ऐड होते कह सकते हैं, तो 2 के पावर कह सकते हैं 15 हो गया, अपॉन में कह सकते हैं 2 के पावर आपका 18 प्लस आपका 6 24 हो गया कह सकते हैं। देन इसके बाद आपको करना यह है कि 3 के पावर 6 है तो उसको उसी तरह रहने देना है, और कह सकते हैं कि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो आ जाएगा आपका 2 के पावर कह सकते हैं 9 आ जाएगा, 24 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 में लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, यहाँ पे हो गया आपका कह सकते हैं 2 के पावर 9 हो गया, कैसे 24 में से 15 माइनस हो गया तो 2 के पावर 9 आ गया। देन इसके बाद हम लोग एक क्यूब है कह सकते हैं क्यूब, इसको ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, तो आपका 3 के पावर 6 होता कितना है 7 to 9 होता है, अपॉन में 2 के पावर 9 कितना होता है 5 to 1 होता है, जब आप करेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालना, तो क्यूब रूट जब आप निकालेंगे तो 9 अपॉन में कह सकते हैं 8 आ जाएगा, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/8 आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होने वाला है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, 1/1/8 कह सकते हैं, 9/8 कह सकते हैं इसको। देखते हैं कि क्यूब रूट निकालना है 1.331 का, तो आप सिंपल पहले कह सकते हैं कि डेसिमल को हटा के क्यूब रूट निकाल दीजिए, प्राइम फैक्टर मेथड से, एलसीएम मेथड से आप निकाल लीजिए, जो आपका क्यूब रूट कह सकते हैं आएगा वो बेसिकली 11 आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट कह सकते हैं दिया गया 3 अंकों पे, तो हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 अंकों पे पॉइंट कह सकते हैं दिया है, तो आपका इधर 2 अंकों पे आएगा, तो 11 को हम लोग लिखेंगे, 1.1 लिखेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप 11 × 11 × 11 करते हैं अगर आप, तो 2 टाइम्स करते तो 1 to 1 आता है, अगर आप 3 टाइम्स करते तो 1331 आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर ए इक्वल टू वाई, वाई की पावर बी इक्वल टू जेड और जेड की पावर सी इक्वल टू एक्स है, तो वैल्यू आपको बतानी ए बी सी की आपको वैल्यू बतानी है, तो इसके लिए आपका कह सकते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन है ये, एक्स की पावर ए इक्वल टू कह सकते हैं वाई है और वाई की पावर कह सकते हैं बी इक्वल टू जेड है और जेड की पावर कह सकते हैं सी इक्वल टू एक्स है, तो आपको ए बी सी की आपको वैल्यू बतानी है कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे आपका एक्स बराबर क्या है जेड की पावर सी है, तो एक्स की जगह हम लोग जेड की पावर सी पुट करते हैं, तो जेड की पावर सी हो गया कि पावर ओवरऑल ए हो गया इक्वल टू वाई हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जेड जेड के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई की पावर भी लिख सकते हैं, तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, तो जेड की पावर हो गया ए सी हो गया इक्वल टू वाई हो गया कह सकते हैं, जो जेड की जगह वाई की पावर भी, तो वाई की पावर बी की पावर ए सी इक्वल टू वाई हो गया, तो देन यहाँ से वाई की पावर ए बी सी इक्वल टू कह सकते हैं वाई की पावर 1, तो यहाँ से ए बी सी इक्वल टू 1।
एसी की वैल्यू 1 जब आपके इक्वल टू में रहता है, तो पावर जो होते हैं कंपेयर होते हैं, तो पावर को मैंने कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू कह सकते हैं 1। आपका फोर्थ नंबर आता है इफ 2^2x माइनस 2^x प्लस 3 प्लस 2^4 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x की आपको वैल्यू बतानी है। तो कहते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू आपको सेटिस्फाई कराने हैं, तो इसमें आपके जो भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं वो बेसिकली हो नहीं पा रहे हैं, कह सकते हैं x की वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं आ पा रही, तो इसमें कोई भी नंबर आपका इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका फिफ्थ नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि If p plus q equal to 10 and p into q equal to 5, then the numerical value of p upon में q plus q upon में p will be, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। अगर ये आपका ये दिया गया है तो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आपका फिफ्थ नंबर पे चल रहे हैं, तो इसमें आपका p plus q equal to कह सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर रहे हैं, तो p प्लस q इक्वल टू आपका 10 दिया है, p इंटू क्यू इक्वल टू आपका 5 दिया, और वैल्यू पूछ रहा है p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी की वैल्यू आपको पूछ रहा है, कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका एलसीएम हो गया, पी क्यू हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है, कह सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 है, तो ये आपका स्क्वायर 100 हो गया, माइनस में 2 इंटू में p इंटू क्यू आपका 5 है, तो यहाँ से 100 माइनस 10 इक्वल टू आपका 90 हो गया, इसकी वैल्यू कह सकते हैं 90 आगे कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पुट करता रहा 90 अपॉन में कह सकते हैं 5, p इंटू क्यू की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से आपका कट हो गया कह सकते हैं। तो जो आपका बेसिकली वैल्यू आ जाएगी ये आ गया 1 और ये हो गया 18, जो कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी क्यू की जो वैल्यू आ रही है आपकी 18 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख पा रहा कह सकते हैं बी वाला 18 आपका करेक्ट है। इसमें आपका सिक्स नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि इफ ए प्लस 1/a + 2 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 2 का होल क्यूब प्लस में 1/a + 2 का होल क्यूब इज, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। और कुछ आपके क्वेश्चन में कह सकते हैं दिया गया है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपका हार्ड होने वाला है कुछ बच्चों के लिए जिनके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। a प्लस 1/a + 2 इक्वल टू आपको 0 दिया है, और वैल्यू पूछ रहा है a प्लस 2 का होल क्यूब प्लस में 1/a + 2 का होल क्यूब, इसकी आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें आपको करना यह है कि मैं लेट कर ले रहा हूँ, a प्लस 2 इक्वल टू एक्स, ये मैंने लेट कर लिया, तो यहाँ से आपका कह सकते हैं a बराबर हो जाएगा x माइनस 2, देन इसके बाद इसकी वैल्यू इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, तो a की जगह हम लोग x माइनस 2 प्लस 1/x इक्वल टू 0, इसको लिखना चाहें तो x प्लस 1/x इक्वल टू आप 2 भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, कह सकते हैं इसका आपको फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 3 एक्स प्लस 1/x को मैं लिख दे रहा हूँ इंटू में 2 डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, आपको इसकी वैल्यू आपको बतानी है, और इसका वैल्यू आपको दिया गया कह सकते हैं एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 8 आ गया इक्वल टू कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 6 हो गया। इसके बाद आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू हो गया 8 - 6 इक्वल टू 2 कह सकते हैं। यहाँ से आपका क्यूब क्यूब की बात की जा रही है, यहाँ पे क्यूब है आपका फॉर्मूले में क्यूब होता है, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू 2 आ गया। इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, मैंने x बराबर a प्लस 2 लेट किया था, तो यहाँ पे इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, तो a प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1/a + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2 आ गया, आंसर जो आ गया पर 2 आ गया, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेवेंथ नंबर में बोला जा रहा है कि इफ ax प्लस by इक्वल टू 3, bx माइनस ay इक्वल टू 4 एंड x² प्लस y² इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² इज, थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सेवन्थ नंबर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ax प्लस by इक्वल टू आपका 3 दिया है, और bx माइनस ay
इक्वल टू आपका 4 दिया है, और क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आपका गिवन है और वैल्यू पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स वाई इक्वल टू 9 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। इसके बाद इक्वेशन इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक्स वाई इक्वल टू कह सकते हैं 16। इसको हम लोग सेकेंड लेट कर लेते हैं, देन फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन है, तो ये आपका ऐसे ही कट होने वाला है, ये आ गया आपका 25 आ गया। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग कॉमन इसमें से आप कर सकते हैं, कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन के तो बचा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से आप इन दोनों में से वाई स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए तो बचा क्या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और इसकी जो वैल्यू कह सकते हैं दिया गया है 1 दिया गया है यहाँ से, तो 1 पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई आपकी 25 आ गई। तो हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन को, तो इसमें आपका माइनस 1 माइनस 25 1 और माइनस 25 है कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसमें आपका करेक्ट है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कह सकते हैं फ्रेम किए गए हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। की बात की जा रही है, तो इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज, इसकी आपको वैल्यू पता नहीं है कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया गया पहले उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, माइनस 1 है और वैल्यू पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो मैं बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई होता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से मैंने इसको लिखा है। यहाँ से आपका एलसीएम इसका एक्स वाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 हो गया कह सकते हैं। इसका क्रॉस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो इसकी वैल्यू में लोग पुट करते थे 0, तो एक्स माइनस वाई इंटू में 0, तो ये आपका 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग मैच कराते हैं, तो ऑप्शन इसमें आपका 1 माइनस 1 1 बाई 2 और 0, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 9th नंबर में द प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 बाई एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बेसिकली हो किया जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो होने क्या वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से इसका स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स की पावर 4। तो ऑप्शन नंबर जो कह सकते हैं इसमें आपका सी है, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट और कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस और साथ ही साथ प्रीमियम नोट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो 10th नंबर में बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 5 अपॉन में 7 ऑफ 1 6 अपॉन में 13 डिवाइडेड 2 सही 5 बाई 7 डिवाइडेड 3 1 बाई 4 इज, होलसम की बात की जा रही थी यहाँ पे, तो 10th की बात की जा रही है, तो 10 नंबर में आपको 5 बाई 7 हो गया, ऑफ ऑफ की मतलब होता है मल्टीप्लाई 1 बाई 13 डिवाइड 2 5 होलसम 7 यहाँ पे हो गया 3 1 बाई 4, ये आपको दिया गया कह सकते हैं। इसमें हो गया आपका 5 बाई 7 इंटू में 13 और
सिक्स ये हो गया आपका 19, तो 19 अपॉन में 13 हो गया, यहाँ पे आपका डिवाइड है, और ये हो गया 7 जो 14 और 5 19 अपॉन में 7। इस तरीके के क्वेश्चन कह सकते हैं कि ऐसे आपके सेट किए जाते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा दे रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे जो नंबर लिखूँगा इसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा, तो ये हो गया 4 आपका 3 12 प्लस 1 13 अपॉन में 4 आ रहा, तो 4 बाई मैं 13 लिख दे रहा हूँ, कह सकते हैं 4 बाई आपका 13 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देन इसके बाद कह सकते हैं आपको करना क्या है, 5 बाई 7 हो गया इंटू में 9 बाई 13 हो गया इंटू में, कह सकते हैं मैं इंटू कर दे रहा हूँ, तो इसका जो होगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 7 अपॉन में कह सकते हैं 19 हो गया इंटू में 13 अपॉन में आपका ये 4 हो गया। अब हम लोग कट करते हैं या कह सकते हैं कि ब्रैकेट को ओपन करते हैं और एक एक स्टेप करते हैं, तो 5 बाई 7 इंटू में 19 अपॉन में 13 इंटू में 7 बाई 19 इंटू में 13 अपॉन में 4, 13 से 13 कट गया, 19 से 19, 7 से 7 वैल्यू आगे कह सकते हैं 5/4 आके, तो इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो रहने वाला आपका सी, इसमें आपका करेक्ट ही कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस या प्रीमियम नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।